महेश कमरे में खाट पर पसरे खर्राटे लेते हुए चैन की नींद सो रहा था। तभी उसकी पत्नी कल्याणी वहाँ आती है और अपना सर पकड़ कर कहती है, कसम से बुढ़ापे में इस आदमी को सोने ठूसने के अलावा कोई काम नहीं है। अरे उठो राजू के पापा, दोपहर के 2 बज रहे हैं। अरे भगवान, बुढ़ापे में भी मेरा सुकून नहीं देखा जाता क्या तुमसे? मुझे करना क्या है जो उठ जाऊँ? यही बोलकर तो सारा सारा दिन इस घटिया सी खटिया पर पसरे रहते हो। मुंह धोकर हॉल में पहुँचो चुपचाप। जो हुकुम भगवान। कल्याणी वहाँ से चली जाती है। कुछ देर में महेश जैसे ही चश्मा लगाए हॉल में आता है तो वहाँ कल्याणी के साथ बैठी औरत को देखकर हैरान रह जाता है और अपना चश्मा उतार आंखें मलकर दोबारा देखता है। तभी उसकी बहू सेजल कहती है, लो सासू माँ आ गए ससुर जी। हेमा आंटी, ये है मेरे ससुर जी, और ससुर जी ये है हेमा आंटी, हमारी नई पड़ोसन। हेमा, महेश तुम आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं क्या? नहीं तो फिर आप दोनों एक दूसरे को इतने प्यार से क्यों देख रहे हो? बकवास नहीं, काम कर तू, जाकर चाय नाश्ता लेकर आ। नहीं नहीं कल्याणी जी, अभी मैं चलती हूँ, फिर कभी चाय पी लूंगी, घर में सामान की सेटिंग करनी है। आप कहें तो मैं मदद कर देता हूँ सेटिंग करने में। क्या कहा आपने? सामान की सेटिंग कल्याणी, सोफा अलमारी सब भारी सामान होता है ना? नहीं जरूरत नहीं है, मजदूर बुलवाए हैं मैंने, चलती हूँ कल्याणी जी। इतना कहकर हेमा वहाँ से चली जाती है। महेश उसे एक टक निहारता रहता है के जाते जाते हेमा महेश को पलट कर देखती है और चली जाती है। महेश अब भी दरवाजे की तरफ ही देख रहा होता है। तभी सेजल मन में कहती है, कैसे ताड़ रहे हैं ससुर जी, लग रहा है देखते देखते ही घर तक छोड़ाएंगे। तू अभी तक यहीं खड़ी है? अरे जा अपना काम कर, और आपकी मूर्ति बने हुए हैं, और ये मुस्कान कैसी? मुस्कान नहीं कल्याणी, हेमा नाम था पड़ोसन का। ससुर जी माँ जी पड़ोसन की नहीं, आपके चेहरे पर जो मुस्कान चमक रही है ना, उसकी बात कर रही है। मुस्कान? कैसी मुस्कान? तुम सास बहू भी ना, मैं जरा बाहर टहल कर आता हूँ। इतना कहकर वो फटाफट वहाँ से चला जाता है और अपने ससुर का ये बर्ताव सेजल को कुछ अटपटा सा लगता है। समय बीतता है। एक रोज महेश हॉल में बैठा अखबार पढ़ रहा होता है और कल्याणी फल काट रही होती है। तभी सेजल वहाँ आकर कहती है, सासू माँ शाम के 5 बज गए हैं, इनके आने का समय होने वाला है और आप अभी तक बाजार नहीं गई? बाहर जाने का जिम्मा क्या मैंने उठा रखा है? मेरे घुटनों में दर्द है, खुद ही चली जा। अरे मैं क्या खाली बैठी हूँ, चावल चढ़ा कर आई हूँ गैस पर, और फिर कपड़े भी तो प्रेस करने हैं। कोई नहीं मत जाओ बाजार, मैं तो खाने में दाल रोटी परोस दूंगी। कितनी जुबान चलती है। सुनिए जी, जरा बाजार से 2-4 हरी सब्जियां ले आइए, मेरे घुटनों में दर्द है। तुमने कौन सा घुटनों के बल चलकर जाना है बाजार? दिख नहीं रहा मैं व्यस्त हूँ। व्यस्त का तो पता नहीं, पर खाली इतने हो कि 3 दिन से पुराने अखबार को 4 बार पढ़ने के बाद भी फिर से निहारने बैठे हो। अरे इसमें कौन सा ब्रेकिंग न्यूज निकल आएगी? कल्याणी बोल ही रही थी कि तभी वहाँ थैला लिए हेमा आवाज लगाते हुए आती है। कल्याणी जी घर में सब्जियां नहीं है, तो क्या आप मेरे साथ बाजार जा सकती हैं? वो मंडी का रास्ता नहीं पता ना मुझे। वो बात ऐसी है कि मैं चलता हूँ ना बाजार, बहू जरा थैला तो ला देना। अरे पर अभी तो आप बड़े व्यस्त थे ससुर जी, फिर अब? अब तुम्हारी सास के घुटनों में दर्द है, तुम्हें घर के और भी काम करने होंगे। मेरा क्या है, मैं तो यहाँ वैसे भी बैठा बैठा कुर्सी तोड़ रहा हूँ, इसी बहाने थोड़ा सैर हो जाएगी। लेकिन मैं आपके साथ। अरे जाओ हेमा बहन, इनको इस मोहल्ले का हर बाजार का रास्ता पता है, यहाँ तक कि चोर बाजार का भी। हाँ हाँ चलिए। अरे ससुर जी थैला तो ले जाइए, अपने घर की सब्जियाँ भी लानी है, भूल मत जाइएगा। तभी सेजल महेश को थैला लाकर पकड़ा देती है और दोनों बाजार के लिए निकल जाते हैं। तभी सेजल अपनी सास से कहती है, सासू माँ देखा आपने? क्या तेरा थोपड़ा? हाँ देखा, आज लाली पाउडर नहीं पोता तूने? सासू माँ मैं अपने थोपड़े की नहीं बल्कि ससुर जी के थोपड़े, मतलब कि उनके चेहरे की बात कर रही हूँ, जो हेमा आंटी के आते ही खिल उठा। देखा नहीं आपने, कहने पर भी बाजार नहीं जा रहे थे, लेकिन उनके आते ही झट से थैला लेके रॉकेट की तरह भाग लिए। जल रहा है? हाँ सासू माँ, ये सब देखकर आपका दिल जलेगा ही ना। मेरा दिल नहीं, गैस पर चढ़े तेरे चावल जल रहे हैं नासपेटी, जाकर गैस बंद कर।
हाय दैया, मेरे चावल। सेजल भागते हुए रसोई में जाती है। एक शाम जब सेजल पौधों को पानी दे रही होती है, तभी उसकी नजर गली में बातें कर रहे अपने ससुर और पड़ोसन हेमा पर जाती है और वो एक गमला उठाए उससे अपना मुंह छुपाए थोड़ा करीब जाकर उनकी बातें सुनने लगती है। इतने सालों बाद तुमसे होगी मुलाकात, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं भी तुम्हें इतने समय बाद देखकर हैरान हो गई थी महेश। पर तुम अब भी वैसी ही दिखती हो जैसी हमारे कॉलेज के जमाने में लगा करती थी, जब मैं पहली बार तुम्हें देखकर अपना दिल दे बैठा था। पुरानी बातों का जमाना गुजर गया, क्यों बुढ़ापे में गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो। अगर उससे मैं तुम्हारी माँ मुझे रिजेक्ट ना करती तो आज राजू की माँ कल्याणी की जगह तुम होती। बस भी करो, इस बुढ़ापे में अपनी एक्स को देख पा रहे हो वही बहुत है। ये बात गमले से अपना मुंह छुपाए खड़ी सेजल के कानों में पड़ती है, तभी उसके हाथ से गमला छूटकर उसके पैर पर ही गिर पड़ता है। लेकिन अपना मुंह बंद किए वो नीचे बैठ जाती है और गमले की आवाज सुन महेश और हेमा इधर उधर देखने लगते हैं। तभी सेजल चुपके से घर में घुस जाती है और रात को खाने के बाद जब वो लंगड़ाती हुई कमरे में जा रही होती है तो राजू उसे टोकते हुए कहता है, ये रात के समय लंगड़ी क्यों खेल रही हो। मन कर रहा है, इसीलिए चोट लग गई मेरे। अरे तो गुस्सा क्यों होती हो, कहो तो मैं गोद में उठा लेता हूँ तुम्हें। वो सब छोड़ो और ये सुनो, तुम्हें पता है वो अपनी पड़ोसन है ना हेमा, ससुर जी की एक्स है। क्या, पापा की एक्स? हाँ, चिल्ला लो, चिल्ला चिल्ला कर जगा दो सबको। अरे धीरे बोलो, कहीं तुम्हारी माँ कल्याणी देवी ने सुन लिया ना तो ससुर जी के साथ साथ हमारा भी कल्याण कर देंगी। हाँ हाँ ठीक है। वैसे सुनो, ससुर जी के जमाने में भी एक्स हुआ करती थी क्या? मैं तो दोनों की बातें गमले में मुंह छुपा कर सुन रही थी, तब जाकर पता चला। वैसे मुझे तो पहले ही लग रहा था नाल में कुछ तो काला है। अभी अपने ससुर की एक्स की गॉसिप बंद करो और सोने चलो। तभी दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं और उनकी सारी बातें कल्याणी सुन लेती है। अगली सुबह जब कल्याणी महेश को जगाने जाती है तो महेश को नींद में हेमा का नाम बड़बड़ाते हुए सुन लेती है और गुस्से में वो साइड में रखा पानी से भरा ग्लास उठाकर उस पर डाल देती है और महेश हड़बड़ाता हुआ उठता है। अरे ये बिन मौसम बरसात कौन कर गया? हेमा, वाह, अपनी एक्स का नाम नींद में बड़बड़ा रहे हो। एक्स वो क्या होता है? हेमा तो हेमा मालने वाली हेमा है, कल्याणी वो मेरे सपनों में आ रही थी ना। ओहो, मेरा नाम तो जागते हुए भी लेने में जुबान छिलती है तुम्हारी, और अपनी उस मरी एक्स का नाम नींद में भी लेते हो। देखो जी, मुझे सब पता चल गया है, मुझसे पहले भी आपकी जिंदगी में कोई थी और वो पड़ोसन हेमा है ना। सासू माँ, वो मैं कह रही थी, ससुर जी आप खाट पर ही मुंह हाथ धोने बैठ गए क्या? क्यों टपकी है यहाँ, जल्दी बोल। अब वो बाहर ससुर जी की एक्स हेमा आंटी आई है। तभी महेश फटाक से उठकर बाहर आता है और कल्याणी भी झाड़ू उठाए उसके पीछे चल पड़ती है। तुम इतनी सुबह यहाँ? हाँ, वो मैं बताने आई थी कि थोड़ी देर में मैं यहाँ से जा रही हूँ, मेरे बेटे की नौकरी दूसरे शहर लग गई है तो वहीं रहूंगी। तभी झाड़ू उठाए कल्याणी उसके पीछे सेजल वहाँ आती है और हेमा की बात सुन लेती है। हेमा सभी को अलविदा कहकर चली जाती है और महेश की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जिसे देखकर कल्याणी कहती है, देखो इस आदमी को कैसे टेस्ट में बहा रहा है। नहीं नहीं कल्याणी, वो तो आंखों में कुछ पड़ गया था। आंखों का पता नहीं, लेकिन अभी तुम्हारे बदन पर ये झाड़ू पड़ेगी ना, तब अपनी एक्स वाई जेड सबको भूल जाओगे। ससुर जी की एक्स का आना भारी पड़ गया उनको। तभी कल्याणी दे झाड़ू महेश को कूटने लगती है। संभव अपने कुछ दोस्तों के साथ में लेट नाइट पार्टी करके घर आता है, जहां उसके पिता कैलाश उसे रोक कर बोलते हैं, आ गया दोस्तों पर पैसे लुटाकर। वो क्या बोल रहा था तू उस दिन अपने दोस्त आरुष को, बेटा मालामाल और बाप कंगाल। नहीं पापा, वो तो सारे दोस्त उस दिन शो ऑफ कर रहे थे तो मैंने भी ऐसे ही बोल दिया। निकम्मे, वो सब मालामाल है इसलिए शो ऑफ कर रहे थे, पर साले तू मेरे टुकड़ों पर पल रहा है और मुझे ही कंगाल बोल रहा है। रुक बेटा, जब तेरी पॉकेट मनी बंद होगी ना, तब तुझे पता चलेगा कौन माला माल है और कौन कंगाल। संभव अपने बाप की डांट खाकर सोने के लिए चला जाता है।
और कुछ दिन बाद अपने पापा से एक बाइक दिलाने की जिद करता है। उसकी जिद के सामने हार मानकर कैलाश उसे बाइक शोरूम में लेकर जाते हैं, जहां संभव को एक बाइक बहुत पसंद आती है, जिसके बाद शोरूम वाला कैलाश को उस बाइक की क्वालिटी के साथ साथ उस बाइक के प्राइस के बारे में बताता हुआ बोलता है, सर ये बाइक बिल्कुल मक्खन की तरह चलती है, और रही बाइक लेने की बात तो आप इसे आराम से ले जाइए, आप हमारे अपने हैं, आपसे मैं एक रुपया नहीं लूंगा, हाँ बस 1.5 लाख रुपए दे दीजिए। बाइक का प्राइस सुनते ही कैलाश शोरूम के अंदर ही संभव को मारता हुआ घर ले आता है और घर आकर उससे बोलता है, बेटा मालामाल और बाप कंगाल, यही बोलता है ना, तो फिर इतनी महंगी बाइक खुद क्यों नहीं लेता, बाप से क्यों मांग रहा है। कैलाश संभव को मार ही रहा होता है, तभी वहाँ संभव की माँ दिव्यानी आ जाती है और अपने बेटे को बचाकर कैलाश से बोलती है, संभव हमारा इकलौता बेटा है, और वैसे भी ये घर पैसा सब इसी का तो हुआ ना, ये माला माल और आप कंगाल। दिव्यानी अपनी बातों में कैलाश को फंसा लेती है और संभव बच जाता है, और रात को कैलाश ड्रिंक के नशे की हालत में संभव के रूम में जाकर उसके गालों पर थप्पड़ मारकर उससे बोलता है, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे अपने जवान बेटे पर हाथ उठाना, पर मेरा बेटा ही नालायक है, मुझे उस पर हाथ उठाना ही पड़ता है, पर तू चिंता मत कर, तेरा बड़ा भाई तेरे साथ है। पर आप मेरे भाई नहीं पिताजी हैं। अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था, मैं तेरा बाप हूँ, वैसे ये सब कुछ तेरा ही है, और तू सच में माला माल है और तेरा बाप कंगाल, पर तू टेंशन मत ले, मैं कल तुझे बाइक नई कार दिलाऊंगा, पर ये बात तू अपनी दिव्यानी भाभी को मत बताना। पर पापा वो मेरी भाभी नहीं माँ है। अरे हाँ मैं तो फिर भूल गया था, वो तो तेरी माँ है। चल कोई बात नहीं, तू सो जा, हम कल 10 बजे चलेंगे कार लेने। कहाँ चलेंगे? तुझे कार दिलाने और ये पूरी प्रॉपर्टी तेरे नाम करने। पर पापा प्रॉपर्टी तो मेरे ही नाम है। अरे हाँ मैं तो फिर से भूल गया, ये प्रॉपर्टी तो हमने तेरे ही नाम कर रखी है, तभी तो तू माला माल है और मैं कंगाल। कैलाश नशे की हालत में संभव से बातें करते हुए सो जाता है, और सुबह जल्दी उठकर संभव को मारते हुए उठाता है और उसे बोलता है, दिन के 12 बज गए हैं पर जनाब जी की आंख नहीं खुली, ऐसे ही घोड़े बेच कर सोता रही हो सारी जिंदगी। पर पापा अभी तो सुबह के 6 ही बज रहे हैं, आप तो माँ से भी ज्यादा झूठ बोलते हो, और आपने ही तो कल रात को बोला था कि मैं आराम से सो जाऊं, आप आज मुझे कार दिलवाने के लिए ले जाएंगे। संभव के बोलते ही कैलाश फिर से उसके गालों पर थप्पड़ मारकर उससे बोलता है, बाप के पैसों पर ही ऐश करते रही हो सारी जिंदगी, और बोलियो बेटा माला माल बाप कंगाल। बस आपको तो मेरे लाल को मारने का मौका चाहिए, मेरे साथ चल मेरे लाल। दिव्यानी उसे अपने साथ मार्केट लेकर जाती है, जहां सब्जियां लेते हुए वो कुछ बार्गेनिंग करती है, और घर आकर इस बात के लिए संभव उसे बोलता है, जिस पर दिव्यानी रोते हुए उसे बोलती है, हाँ हाँ तू तो बहुत बड़ा हो गया है ना, यही दिन देखने के लिए मैंने तुझे पाला पोसा और बड़ा किया। क्या माँ आप रोया मत करो, आप जो बोलोगी मैं वो करूँगा, आप बोलो मैं भी आपकी तरह बार्गेनिंग करूं, अच्छा लगेगा आपको। अरे मैंने कब बोला तुझे कि तू बार्गेनिंग कर, मैं तो बस ये बोल रही हूँ कि तू मेरा पैर दबा दे थोड़ा, मुझे अच्छा लगेगा। अपनी माँ के बोलने पर संभव अपनी माँ के पैर दबाने लगता है, जिसके बाद दिव्यानी जो जो काम उसको बोलती वो जल्दी जल्दी सारे काम कर देता, जिसके बाद वो अपने पिता के पास जाकर उनसे बोलता है, पापा कल मेरा बर्थडे है, कुछ पैसे दे दो। बस इतनी सी बात, बोल तुझे कितने पैसे चाहिए, छोड़ तू मैं खुद तुझे पैसे देता हूँ। ये बोलकर कैलाश अपने पॉकेट से 200 का नोट निकालकर उसके हाथों में थमाकर चला जाता है, और संभव मुंह बनाकर अपनी माँ के पास जाता है और उससे बोलता है, माँ देखना कल मेरा बर्थडे है और मुझे ये दिए हैं, माँ 200 रुपए से क्या होता है। रुक तेरे बाप को तो मैं बताती हूँ। कैलाश जी आपकी हिम्मत कैसे हुई संभव को 200 रुपए देने की,
₹50 नहीं दे सकते थे क्या इसकी शक्ल के हिसाब से? अपनी माँ की ये बात सुनकर संभव अपने ₹200 लेकर वहाँ से चला जाता है। देखते ही देखते 2 साल बीत जाते हैं। अब संभव एक अच्छी जगह जॉब करने लगता है और अपने काम के चलते वो पैसों के लालच में इतना अंधा हो जाता है कि अपने माँ बाप को भूल जाता है। ऐसे ही एक दिन संभव ऑफिस में काम कर रहा होता है और दिव्यानी उसको कॉल पर कॉल करती है। बार बार कॉल इग्नोर करने के बाद भी संभव अपनी माँ का कॉल नहीं उठाता, लेकिन फाइनली उसे उसकी माँ का कॉल उठाना पड़ता है और उसके कॉल उठाते ही दिव्यानी उससे बोलती है, बेटा मैंने जो तुझे दवाइयाँ लाने के लिए कहा था वो दवाइयाँ कहाँ रखी है तूने? मुझे मिल नहीं रही। तेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी बता दे बेटा वरना तेरे पापा। हाँ माँ मैं बस आ रहा हूँ। संभव अपना सारा काम छोड़कर दवाई लेकर घर जाता है, जहाँ वो अपने पापा को बाहर बैठा देखकर उनसे बोलता है, ये लो पापा आपकी दवाई और अंदर चलो वरना आपकी और तबीयत खराब हो जाएगी, हम एक बार फिर पहले की तरह रहेंगे। नहीं बेटा मैं बाहर ठीक हूँ, बस तू अंदर अपनी माँ का ख्याल रखना और एक बात हमेशा याद रखना, बेटा हमेशा माला माल होता है क्योंकि उसके पास बाप होता है और बाप हमेशा कंगाल होता है क्योंकि उसका बेटा उसके साथ नहीं होता। ये बोलकर कैलाश की परछाई गायब हो जाती है और ये देखकर उसको याद आता है कि उस दिन वो दवाई लेकर लेट घर गया था, जिसकी वजह से उसके पापा ने हमेशा के लिए उसका साथ छोड़ दिया था। संभव अपने पापा के साथ बिताए हुए हर अच्छे और बुरे लम्हे को याद करता है और रो देता है। 50 साल की उम्र में ये बात संभव एक 20 साल के लड़के को बताकर उससे बोलता है, जिंदगी में कितना भी कमा लो, कितने भी माला माल बन जाओ, पर जब तक तुम अपने परिवार के साथ नहीं हो तब तक तुम कंगाल हो, उस बाप की तरह जिसका बेटा उसके साथ उसके घर में तो होता है पर उसका नहीं होता। उस समय मैं माला माल था क्योंकि मेरे पास मेरी सारी इच्छा को पूरा करने के लिए मेरे पापा थे, पर अब मैं कंगाल हूँ क्योंकि अब मैं खुद एक बाप हूँ, इसीलिए बेटा तू मेरा जैसा नहीं अपने दादा की तरह बनना। पापा जो गलती आपसे हुई है वो गलती मैं कभी नहीं करूँगा, आप हमेशा माला माल रहेंगे क्योंकि मैं दादा की तरह ही बनूंगा। ये बोलकर वो लड़का संभव को गले लगा लेता है और शाम को संभव की पूरी फैमिली साथ बैठकर खाना खाती है, जिसे देखकर संभव की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपनी फैमिली को एक साथ देखकर उसके चेहरे पर सुकून की स्माइल आ जाती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।